नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका ये चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे बार्ट्स के लिए जो नमक वाला पात्र कैसे तैयार करना चाहिए, इसका गोपाल कुशल में आप लोगों के साथ अभी हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से वो लोग ये पात्र खा रहा है। तो इस पात्र को किस तरह से तैयार करना चाहिए उसका पूरा डिटेल्स वीडियो में आप लोगों के साथ अभी हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोग जो देख सकते हैं हमारे थाल में जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है पात्र जैसा, दोस्तों तो पात्र नहीं है, ये जो पुराना बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो टूटता है तो बिल्ड इसका जो हम लोगों को मिलता है इसी तरह, जो इसमें ईंट नहीं होना चाहिए, ईंट की तरह जो मसाला होते हैं इसमें इसी तरह से होता है दोस्तों, पात्र के जैसा बहुत पुराना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काला नमक, काला नमक उन लोगों को देना चाहिए, सफ़ेद नमक नहीं है। जो हम लोग यहाँ पर बाज़ार से काला नमक मिलता है जो ये है दोस्तों काला नमक, आप अच्छी तरह से जानती है पहचानते हैं काला नमक को। और यहाँ पर जो हमारे हाथ में देख सकते हैं ये है बिल्डिंग, जो पुराना बिल्डिंग, बहुत पुराना बिल्डिंग होना चाहिए, जहाँ पर बिल्डिंग टूटता है तो आप लोग जानते हैं यहाँ से इसी तरह पात्र आप लोगों को लेना चाहिए। वो तो पात्र के जैसे बहुत जितना पुराना होगा बिल्डिंग उतना अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर तीन टुकड़ा ले लिया है और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कोटरा मैंने ले लिया है और पानी भी ले लिया है इसके साथ में, और यहाँ पर मैंने काला नमक भी ले लिया है। तो दोस्तों पहले मैंने इस नमक को अच्छी तरह से यहाँ पर पानी से घोल देता हूँ, पानी से घोलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद ये पात्र जो है ना पानी के साथ हम लोग दे देंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं नमक, पहले नमक को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से ड्रास्ट कर लेता हूँ। नमक को पहले अच्छी तरह से ड्रास्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे फिंच का भी कॉलोनी यहाँ पर भी है और बद्री का कॉलोनी यहीं पर भी है। तो चलिए मैंने इस नमक को पहले ड्रास्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो नमक है ना, नमक को पहले थोड़ा सा ड्रास्ट कर लिया है। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से आप लोग पहले इसको ड्रास्ट करना है। तो उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पर इस कटोरा में मैंने इसको लेता हूँ, नमक को यहाँ पर भी डाल देता हूँ। तो ये हमारी कटोरा में इसको डाल दिया है। तो इसके साथ अभी मैं पानी इसके साथ डाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर तो आप लोग तो चलिए दोस्तों अभी इसमें अभी पानी डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। तो धीरे धीरे इस नमक जो है ना वो पानी के साथ घुल जाएगा, तो उसके धीरे धीरे उसको घुलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी आप लोग देख सकते हैं जो मैंने पानी दे दिया है अभी धीरे धीरे वो पानी घुल जाएगा। दोस्तों अभी आप लोग जानते हैं जो नमक है ना काला नमक बहुत हार्ड होता है, तो इसीलिए उसको घुलने का कुछ टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए इसको घुलने के लिए। तो धीरे धीरे वो घुल जाएगा, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर पात्र को डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसको घुलने के लिए कुछ टाइम लेता हूँ, अभी इसको घुलने दीजिए। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पानी घुल चुकी है, अच्छी तरह से पानी घुल चुकी है, आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो नमक जो है ना वो अभी पानी हो चुकी है। तो मैंने इसके अंदर जो पात्र आप लोग हमारे यहाँ पर देख सकते हैं पात्र को मैं धीरे धीरे इसके अंदर दे देंगे, ठीक है। और भी थोड़ा पानी चाहिए तो और भी थोड़ा पानी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, पानी मैंने दे दिया है। तो चलिए इस तरह से मैंने जो पात्र आप लोग देख सकते हैं इस पात्र को मैंने अभी इसके अंदर डाल देंगे। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग उसको पहले इसके अंदर अच्छी तरह से पात्र को पात्र जो है ना पानी के साथ मिक्स करना चाहिए। और उसके बाद जो पात्र होता है पात्र को अभी जो दोस्तों आप लोग जाते हैं पात्र को अच्छी तरह से जो धूप में सुखाना चाहिए, धूप में देकर उस जो पात्र है ना उसको अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। उसके बाद हमारे बार्ड्स को प्रोवाइड करना चाहिए। तो आप अभी पात्र जो है ना वो पात्र सूखा हुआ पात्र है, तो इसीलिए जो पानी पानी जो है ना पानी पात्र ने जो पानी खा लेगा।
वो पानी जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत पानी अभी कम हो जाएगा क्योंकि जो यहाँ पर पाथर आप लोग देख सकती है, इस पाथर ने इस पानी को खा लेगा। तो उसके बाद जो खाने के बाद अभी दोबारा उन लोगों को धूप में सुखा देंगे। सुखाने के बाद फिर से अभी इस पानी के साथ में घोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसको अभी जो तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे जो नमक वाला पातर हुआ अभी कंप्लीट हो चुकी है। दिन भर वो धूप में था, अभी धूप में सुखा कर अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं इस पातर को हमारे कॉलोनी पर डाल देंगे, वो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से वो लोग खा लेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे बार्ड्स को मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वो अच्छी तरह से धीरे धीरे खा लेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो का जो है खत्म करता हूँ। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और जो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो